मेरा सबसे ज्यादा है कि विक्की वो करना बहुत फनी है, सबके साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, उसको चाहिए। चेंज ये करना चाहिए कि किसी की बातों में नहीं बातों में नहीं आ। मेरे इस बार जो था वो मनीषा रानी था, काफी अच्छा खेल रही है वो, मतलब लोगों से बहुत कनेक्ट है, घर के लोगों से बहुत अच्छे से केमिस्ट्री बन रही है, कम है तो अच्छे से रह रही है लोगों के साथ, अच्छे से बॉन्डिंग उसकी अच्छी है सभी के साथ। अब इतना तो किसी का नहीं है मंदिर, क्योंकि अभी 1 वीक ही हुआ है, अभी तो लोग इतने खुले भी नहीं है, मतलब गेम अच्छे से उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है बहुत लोगों ने, तो अभी किसके किसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बट अभी तो अभी तक का तो सबका ठीक ही जा रहा है, मतलब ना किसी का काम ना किसी का ज़्यादा, मतलब ठीक जा रहा है। गेम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, खुश थे मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी लोग हैप्पी थे, फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगा, बट ठीक है, हम लोग बहुत खुश थे, एटलीस्ट वो बिग बॉस के घर में गई हुई है और वो खेल रही है, अच्छा खेल रही है, तो हम लोगों को बहुत अंदर से बहुत प्राउड फील हुआ। टाइम लगेगा, और ऑफ कोर्स काम के लिए तो हम लोग कहीं भी जाते हैं शूट को, तो एक दो महीने तो कभी कभी लग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, और फिर ज़्यादा दूर भी नहीं है फिल्म सिटी में, इतना नहीं है, बट बहुत खुश है, ऐसा नहीं कि दूर है, बट हाँ ये है कि हम लोग उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ है कि वो कहीं भी जाती तो हम लोग को फोन कॉल वीडियो कॉल होता रहता था, कनेक्टिंग रहती है, तो ऐसा था कि थोड़ा कनेक्ट नहीं है, बट मैं ये तो है कि मेरी सिस्टर को 24 घंटे में देख सकती हूँ, बहुत लोग देख सकते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, उस चीज़ बहुत खुश, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसे जो हम उससे बात नहीं कर सकते कुछ भी नहीं, तो इसलिए, बट उसको हम देख तो देख सकते हैं टीवी पे, उसको ऑल टाइम मेरे घर में लाइव चलता रहता है बिग बॉस का, तो हम वो हम देखते रहते हैं। किसी ने बोल दिया जाके उसको बोलो कि सफाई दो कि खान जादी के, कि किसी ने क्या बोला, तो वो चीज़ मैं बोलती हूँ कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसा क्यों बोला किसी को, सॉरी जाके बोलना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट भी करना है, लिमिट तक करना है, ये नहीं कोई ऊपर आ रहा है, तो मैं अपने आप में बोलती हूँ ऐसा मत कर सके, तो ऐसा होता है उसके साथ में, तो अभी तक तो उसका सब किसी से भी इतना अच्छा केमिस्ट्री नहीं बैठा है, इतना अच्छा फ्रेंडशिप नहीं हुआ है किसी का, जितना जा सकता है तो खानजादी से हो सकता है, क्योंकि खानजादी उसको सपोर्ट भी करती है कुछ कुछ चीज़ों में, उसको सोनिया भी उसको सपोर्ट करती है, तो अभी स्टार्टिंग में हुआ था कि जैसे सोनिया आई थी खानजादी, दोनों के साथ में एंट्री हुई थी, तो उनका ऐसा लग रहा था कि उसका अच्छा फ्रेंडशिप जाएगा, तो बट ऐसा हुआ नहीं उन दोनों का साथ। मेरे ऐसा तो सभी हैं, बट इतना बोला जाए, बट मेरा सबसे ज़्यादा है कि विक्की वो बहुत फनी है, सबके साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, तो वो फर्स्ट है, और मेरी सिस्टर भी मेरे लिए फर्स्ट है। अच्छा है विक्की के साथ में, सबका ही अच्छा है, और बॉन्डिंग के साथ साथ अच्छी है, हाँ वो भी अच्छा, हस्बैंड वाइफ है तो ऑब्वियसली उनके साथ तो अच्छा हो गई, अब कुछ अच्छे से बनाएंगे, घर पे बनाएंगे, कोई नहीं देख लेंगे उसको, तो ऐसा कुछ नहीं, हमेशा जैसे बनाते हैं हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, इस बार भी बहुत अच्छे से बनाएंगे, और मैं भी चाहती हूँ बिग बॉस में उसके लिए बहुत अच्छे से, मैं नहीं जाऊंगी, इनफैक्ट मैं इसको भेजूंगी, क्योंकि मेरी ये लाइन डिफरेंट है, मुझे इसमें कुछ नॉलेज नहीं है किसी भी चीज को लेके, तो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसको है तो मैं इसको भेजूंगी, सोनिया एक्चुअली घर पे आएगी तो मैं उससे घर पे मिल लूंगी, उसको चेंज ये करना चाहिए कि किसी की बातों में नहीं आता, बट इतना नहीं कि आप किसी के, मतलब बिग बॉस के घर पे हो तो आपको गेम के हिसाब से ही खेलना चाहिए। मेरे इस बार जो था वो मनीषा रानी था, ठीक है, और मैंने जितना ज्यादा नहीं देखा इस बार देखा, क्योंकि मनीषा रानी को मैं एक दो बार मिली थी सैलून में, तो मनीषा रानी की इसी वजह से देखा, और सिर्फ मनीषा रानी के लिए देखा था, तो मुझे मनीषा रानी अच्छी लगी, कॉमेडी करते थे लोगों को, इंटरनेट गन बहुत ज्यादा करते थे, तो इसलिए वो मुझे लगता है सोनिया भी है अपने अपने में, तो वो सब चीज वो तो है, वो चीज होता है गुस्से में तो वो सुनाती है, वो सबको सुनाती है, ऐसा नहीं कि बड़ी है छोटी है, नहीं सबको सुनाती है, जब उस चीज में लगता है कि वो गलत नहीं है और उसको गलत ठहराया जा रहा है तो वो सुनाती है, और बहुत फनी भी है, वैसा नहीं कि किसी का, वो बहुत चिल भी रहती है किसी किसी टाइम पे, बहुत लड़ाई भी करती है, तो उसका है बहुत ज्यादा फनी है, उसका नेचर है बहुत ज्यादा फनी है, मतलब बैठी है तो बहुत लोगों से जो कनेक्ट होती है तो बहुत अच्छे से बात करती है, और लोग वो हंसाती भी है बहुत ज्यादा, इसके जो जोक्स होते हैं वो मारती रहती है, इधर उधर से बातें चीजें होती है वो सब करती है, नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, बट अभी आगे गेम करेगी वो बहुत अच्छा करेगी,
अभी वन वीक हुआ है तो हम कुछ कह नहीं सकते, जितना भी हुआ है बहुत अच्छा किया जैसा है। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है एक्चुअली, वो किसी के बीच में नहीं आती लड़ाई में, किसी को गलत नहीं बोलती, तो वो चीज है उसमें। पर जो उसके लिए कोई गलत बोलेगा तो वो जो है रियल है वो उधर रियल है। थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार की वजह से ही है सब कुछ। और हमेशा आप इतना प्यार इतना सपोर्ट हमेशा करते रहना। थैंक यू सो मच।